आषाढ़ महीने की एकादशी यानी ग्यारहवें दिन पंढरपुर पहुंचने के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक के लाखों लोग एक पवित्र भावना लेकर पंढरपुर के भगवान विठोबा के दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं। महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय की अपने गांव से पंढरपुर तक जाने वाली दिंडी यानी यात्राएं हिंदू धर्म की पवित्रता का दर्शन कराती है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पंढरपुर के भगवान विठ्ठल के बारे में। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मिथक टीवी में। प्राचीन भारतीय ग्रंथ और इतिहास से जुड़ी कथाओं के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब करें। एक बार पुंडलिक नाम का एक युवक काशी की यात्रा पर निकल पड़ा था। जब वो जंगल से गुजर रहा था तब वो रास्ता भटक गया। भटके हुए रास्ते पर उसे एक आश्रम दिखा। वो आश्रम था कुक्कुट ऋषि का। आश्रम पहुंचकर पुंडलिक ने महर्षि कुक्कुट से काशी जाने का रास्ता पूछा। तब ऋषि ने बताया कि वे आज तक कभी भी काशी नहीं गए और इसी कारण उन्हें रास्ता भी नहीं पता। पुंडलिक ने ये सुनते ही ऋषि का उपहास किया और कहा, किस तरह के ऋषि हो आप जो अपने आप को ऋषि समझते हो और एक बार भी काशी नहीं गए। कुक्कुट ऋषि का उपहास कर पुंडलिक अपनी यात्रा के लिए आगे निकल पड़ा। पुंडलिक आश्रम से थोड़ी ही दूर गया था कि उसे कुछ स्त्रियों की आवाज सुनाई देने लगी। उसने देखा कि आवाज कहाँ से आ रही है। इधर उधर देखने के बाद पता चला कि आवाज तो आश्रम से ही आ रही है और आश्रम में तो कोई स्त्री नहीं थी। वो विस्मय से फिर आश्रम की तरफ चल दिया। जब वो आश्रम पहुंचा तो उसने पाया कि तीन औरतें पानी से आश्रम को साफ कर रही है। जब उसने उनसे पूछा तो उसे पता चला कि वो तीन औरतें माँ गंगा, माता सरस्वती और माँ यमुना हैं। पुंडलिक आश्चर्य से दंग रह गया कि कैसे ये तीनों उस ऋषि के आश्रम की पवित्रता बनाए हुए हैं, जिसे काशी के दर्शन तो छोड़िए काशी का मार्ग तक पता नहीं। तब माँ गंगा, यमुना और सरस्वती ने उसे समझाया कि पवित्रता तथा श्रद्धा तो मन में होती है, ये जरूरी नहीं है कि आप पवित्र स्थलों की यात्रा करें या फिर कर्मकांड करें। कुक्कुट ऋषि ने अपने जीवन में पवित्र मन से अपने माँ बाप की सेवा की है और इसी कारण उन्होंने इतना पुण्य अर्जित कर लिया है कि वे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस बात से उसकी आंखें खुल गई। पुंडलिक अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ काशी निकला था। वो वापस अपने घर पहुंचा और अपने माँ और पिता को लेकर उसने काशी की यात्रा करी। इस घटना के बाद पुंडलिक का जैसे जीवन ही बदल गया था। अब उसका जीवन अपने माँ बाप की सेवा में चला जाता था। पुंडलिक की मातृ पितृ भक्ति इतनी असीम थी कि एक बार भगवान कृष्ण को भी पुंडलिक के घर जाने का मोह हुआ। भगवान कृष्ण जब पुंडलिक के घर पहुंचे तो पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। अपने घर मेहमान बनकर भगवान आए देखकर उसे काफी खुशी हुई, पर उसका मन थोड़ा भी विचलित नहीं हुआ। उसने अपने पास पड़ी एक ईंट को भगवान को खड़े रहने के लिए दिया और अपने माता पिता की सेवा में लीन हो गया। माता पिता की सेवा होने के बाद पुंडलिक भगवान कृष्ण के सामने गया और उनसे क्षमा मांगी। भगवान कृष्ण उसकी मातृ पितृ भक्ति को देख काफी प्रसन्न हुए और उन्हें वर मांगने के लिए कहा। पुंडलिक ने कहा, भगवान मेरे लिए इंतजार करते रहे, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। पर भगवान कृष्ण ने आग्रह किया तो पुंडलिक बोले, आप पृथ्वी पर निवास करें और यही रहकर अपने भक्तों पर अपनी छाया बनाए रखें। तब से भगवान कृष्ण उसी ईंट पर पंढरपुर क्षेत्र में खड़े हो गए। विठोबा शब्द का अर्थ यही होता है कि भगवान जो ईंट पर खड़ा है। पंढरपुर में स्थित भगवान विठ्ठल की मूर्ति स्वयंभू है, यानी इसे किसी भी मूर्तिकार ने नहीं तराशा हुआ और वो अपने अस्तित्व में ही उसी आकार में आई है। आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताएं। साथ ही कमेंट कर बताएं आप क्या सोचते हैं महान मातृ पितृ भक्त पुंडलिक के बारे में।